हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कल ईद है और आज आखिरी रोजा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरे घर को साफ किया जाए, सफाई किया जाए। नॉर्मली ये जो डिपार्टमेंट ऐसा कहा जाता है कि लेडीज का है, लेकिन मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मर्दों को भी या फिर लड़कों को भी हाथ बटाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने घर की सारी लेडीज को छुट्टी दूंगा, उनको कहूंगा कि आप बैठिए, आराम कीजिए, बिकॉज मैं सब कुछ करूंगा। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो आई स्वेप्ट द एंटायर फ्लोर एंड देन आफ्टर दैट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस ऑल दीज थिंग्स आउट हियर। या सो आई वांट टू ब्रिंग यू डाउन टू दिस कॉर्नर। या तो ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ओके, ये सारी चीजें वहां पर थी। सो सबसे पहले तो मैंने उस कॉर्नर को, मतलब ये सारी चीजों को वहां से हटाया, एंड उसके बाद में होल्ड अ सेकंड, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट आई डिड। या सो उसके बाद में ये डिसइंफेक्टेंट है और ये मग है और इसमें थोड़ा सा पानी है, अगर आप आई डोंट नो यू कैन सी दैट। तो मैंने डिसइंफेक्टेंट का एक कैप जो है उसको सादे पानी में मिलाया और फिर उससे मैंने ये जो कॉर्नर्स है, ये सारे कॉर्नर्स मैंने पोछना स्टार्ट किए। और उसके बाद में ये टेलीविजन सेट है, तो आप देख रहे हैं कि टेलीविजन सेट काफी चमक रहा है अभी, इसलिए साफ किया मैंने इसको। तो टेलीविजन सेट के ऊपर भी काफी सारी चीजें रखी होती नॉर्मली, राइट, केबल वायर्स होती है, लाइक फॉर एग्जांपल, हाँ, ये केबल वायर होता है, कनेक्शन होता है, ओके, ये मैं बाद में उठा लूंगा। काफी सारी चीजें होती है, तो मैंने इन सारी चीजों को उठा दी यहां से। और सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इन सबको मैंने क्लीन किया। आफ्टर दैट ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, ऑल दीज थिंग्स आउट हियर, आई एम गोना क्लीन देम अप एंड आफ्टर क्लीनिंग देम अप देन आफ्टर दैट आई एम गोना अरेंज देम बैक, ओके। I'm going to take you somewhere else. Yes, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो yes, म्यूजिक इज ऑल टाइम फेवरेट ऑफ माइंड whenever I'm doing anything, okay? It serves me as a boost, as a motivation. तो बैकग्राउंड में म्यूजिक है, नान समी का मैं गाना सुन रहा हूँ यहाँ पे, ओके। सो I'm gonna take you. Yeah, तो मैंने लाइट ऑन किया यहाँ पे, ये सारी जो चीजें हैं फ्लोर की यहाँ पे किचन में, मैंने सारा कुछ उठा लिया है यहाँ पे, ओके, एंड देन आई स्वेप्ट द फ्लोर। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑल द थिंग्स विच वर डाउन हियर, ओके, और लाइंग डाउन हियर एंड देयर बेसिकली, बिकॉज रमजान महीना था और थोड़ा सा लेथर्जी भी मैं हो जाता हूँ, यहाँ पे चीजें हो जाती है, काफी सारी चीजें पाइल अप हो जाती है, लॉकडाउन भी चल रहा है, या बट यू नो हाउ इट हैपेंस बेसिकली। सो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे उठा ली है और फिर उसके बाद में जब फ्लोर क्लीन हो जाएगा तो देन आफ्टर दैट आई एम गोना रीअरेंज देम। Alright, so now is the time to wait. One second. आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, now is the time to yes, the mop and alright. So here I am. Yes, guys. So if you can see out here, ये जो यहाँ का passage है, ये मैं यहाँ पे अभी फिलहाल clean कर रहा हूँ mop से. Okay, थोड़े थोड़े यहाँ पे प्रिंट्स आए हैं, लेकिन फिर भी जो चप्पल के जो मार्क्स होते हैं वो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मैं, और ये जो है अगर आप देख पा रहे हैं, hold on a second, दोस्तों आप जब अकेले करते हैं तो आपको पता होगा कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन सोचिए कि आपके घर के जब लेडीज करती है, आपकी मॉम है या फिर आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, ये सारी चीजें करती हैं, तो ये सारा कुछ कितना डिफिकल्ट हो जाता है, उनको हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये मॉप है, इसमें बकेट है और मैं इसमें इसे यहाँ पे थोड़ा स्विच कर रहा हूँ। तो मेरा यही मानना है कि वो लोग साल भर काम करते हैं, तो आपको उनका हाथ जरूर बिटा बताना चाहिए बटाना चाहिए। या ये थोड़ी मॉफिंग यहाँ पे हो रही है। सो I'm gonna tell you, in this liquid I added some salt. Okay, that is rock salt, because rock salt purifies the house. And apart from that, मैंने उसमें थोड़ा सा डेटॉल भी मिलाया ताकि वो डिसइंफेक्टेंट का काम करे और जितनी थोड़ी सी डर्ट वगैरह है और वो सारी चीजें क्लीन हो जाए और डिसइंफेक्शन भी सारी साथ हो जाए। तो इट्स लाइक, समझे, एक तीर से दो निशान, एक्चुअली ऐसे करना चाहिए, एक तीर से दो निशान, ऑलराइट, हिटिंग टू बर्ड्स विद वन एरो, टू बर्ड्स विद वन एरो, ओके, ऑलराइट। तो मैं ये कह रहा था कि मॉपिंग करना कभी कभी मजा आता है, तो आपको कुछ आवाज यहाँ पे आई होंगी, पर फिक्र मत कीजिए, ये थोड़ा बहुत साफ सफाई में हो ही जाता है, पर कोई नहीं, I'm gonna meet you after some time, okay? Let me just get done with this, okay? Bye bye. So guys, देखिए, this water, can you see it? Somehow, okay, wait, I have to tilt the camera.
दिस वाटर वॉज सुपर क्लीन वेन आई टुक इट, और साफ करने के बाद में ये एकदम डार्क हो गया है. ओके तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूंगा अभी. लाइक आई मीन व्हाट आई मीन टू से दैट जो भी रेस्ट ऑफ द पोर्शन बाकी है, आई एम नॉट गोना कंटिन्यू विद दिस वाटर. आई एम गोना ड्रेन दिस आउट, फिल फ्रेश वाटर, अगेन फिल सम मोर डिटो डेटॉल एंड देन रॉक सॉल्ट. प्लीज माइंड माय टंग, आई एम जस्ट फंबलिंग. आई डोंट नो व्हाई, मे बी मुझे रोजा लग रहा है, शायद हो सकता है. लेकिन कोई बात नहीं, आज लास्ट रोजा है जिसका मैं, कल ईद है. 30 days रोजा हुआ है, मतलब एक्चुअली 29 days हुआ है. पर अगर चांद दिख गया तो कल ईद हो गया, नहीं दिखा तो एक बार एक रोजा हो सकता है. Alright, hi guys, I'm back. Actually, iftar का वक्त हो गया था. As I told you that आज लास्ट दिन है ईद का, तो इसलिए sorry, not ईद का, रमजान का आज लास्ट दिन है, इसलिए इफ्तार का वक्त हो गया था. इसलिए मुझे जो अपनी साफ सफाई है थोड़ा बीच में स्टॉप करनी पड़ी. So I'm back again and I'm gonna continue and resume the one. So something very important which I want to tell you that हम normally, I mean हर कोई करता होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि जब आप सफाई कर रहे हैं तो आप अपने डोर को ना छोड़ें. Because the door is a place from where things come inside, positive energy come inside, energies come inside. तो आपको ध्यान रखना है कि आप doors को, gateways को clean जरूर करें. I'm gonna do that right away. So this is the way you're gonna do that. Okay? सारा का सारा जो door है, आप इसे clean करेंगे. ठीक है? It's very very important. You do that. And I'm using the same liquid जो मैंने आपको बताया था, right? तो इसमें मैं dip कर करके थोड़ा सा clean कर रहा हूँ. Indeed, something very important. सिर्फ exterior ही नहीं, बल्कि interiors को भी पोछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या है ना, ये जो door है, वहाँ से energy आती है. अगर उसे clean नहीं करेंगे, घर को clean करेंगे, लेकिन doors को clean नहीं करेंगे, तो क्या है ना, energies अंदर आएंगी नहीं. I'm gonna get back soon. Yes, so I'm done with the passage. I'm done with the door, etc. door से बाहर अंदर से सब जगह से मैंने उसको अच्छी तरीके से पोछ दिया है. Now ये जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, मैंने आप इसको ठीक से अरेंज कर दिया है. पहले आपने जब देखा होगा इतना अरेंज नहीं था. Now the task is that कि ये जो भी चीजें हैं यहाँ पे रखी हुई, I have to make sure that I keep them at a proper place. फिर उसके बाद में जो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, okay? So this also I gotta be cleaning. So I will be showing you after I do all this. Okay? Stay tuned, guys. Alright, guys. So finally, I am actually done with 90% of the cleaning, and now I'm gonna show you the kitchen. आपको याद था किचन का हालत पहले कैसी थी, मतलब अब देखना. ओके, ऑलराइट, सो हियर इज द किचन. ऑलराइट, एंड दिस आई एम गिविंग यू अ ओवरव्यू लुक हियर. ओके, सी एवरीथिंग इज इन प्लेस, राइट? ये तो मैंने आपको उसी वक्त बताया था, आई हैव प्लेस्ड ऑल दीस थिंग्स आउट हियर. सी हियर, इफ यू रिमेंबर, देयर वाज अ ह्यूज पाइल ऑफ सो मेनी थिंग्स आउट हियर. आई क्लीन एवरीथिंग. ओके, एंड इसको भी अच्छी तरीके से गीले कपड़े से मैंने पोछा है. ओके, विद डिसइंफेक्टेंट एंड एवरीथिंग. आई प्लेस देम दीस थिंग्स प्रॉपर्ली आउट हियर, द वायर्स एंड एवरीथिंग. ओके, ऑलराइट, दिस एंटायर थिंग, यू इफ यू रिमेंबर, देयर वर लॉट ऑफ बॉटल्स, कैंस एंड मेनी 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 थिंग्स. ऑलराइट, सो आई एम गोना टेक यू हियर, सी दिस एंटायर थिंग. सो नाउ दिस किचन एक्चुअली लुक्स लाइक अ किचन. ऑलराइट, नाउ इज द टाइम, आई एम वेरी वेरी हंग्री. और आप सबको चांद, ईद का चांद मुबारक, कल ईद है. टेक केयर, सी यू टुमारो.